नीति और अफसरशाही की कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातों को मैं विवेक कहार बताऊंगा आपको सुनी सुनाई में। 15 फरवरी को हुई सीएम शिवराज और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात के बाद से इसे बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियां होना अभी भी बाकी है। वहीं सीएम ने सभी मंत्रियों को 19 फरवरी को भोपाल में होने का संदेश भिजवा दिया है, जिसके बाद से कायासों का बाजार गर्म है। इधर संघ प्रमुख से शिवराज की हुई मुलाकात अभी एक राज ही है, जिसने मंत्रियों की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब बाबाओं के सहारे कई नेता अपनी नैया को पार करवाने में लगे हुए हैं। सुना है कि भोपाल के एक कांग्रेस नेता ने, जो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उन्होंने अपने क्षेत्र में कथा के लिए एक बाबा को तैयार कर लिया था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को ये पसंद ही नहीं आया। उन्होंने फौरन बाबा पर दबाव डलवाया और कांग्रेस नेता से एडवांस में मिला चेक वापस करवा दिया। बीजेपी के एक बड़े नेता ने खजुराहो में बुंदेलखंड के खनिज ठेकेदारों की बैठक ली। खास बात यह है कि जिस होटल में ये बैठक हुई थी, वहाँ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को एक लिस्ट दी गई थी, जिनके नाम थे वही अंदर आ सकते थे। सुना है कि इस बैठक की जानकारी सरकार तक पहुँच गई है। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर बैठक में हुआ क्या था। तो आज की सुनी सुनाई में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही चुटीली बातों के साथ।